सो हे गाइज वस्तु वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बड़े होंगे। तो गाइज इस वीडियो में रील्स एडिटिंग के लिए जो मैंने एप्लीकेशन का यूज़ किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो, उसके बाद जाकर वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके गाइज, सो उसका जो VN ऐप है इसका नाम गाइज, ठीक है, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा था वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइज ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा। तो कैसे कैसे क्या क्या होगा गाइज, इसका मेथड क्या, मैं आपसे पूरा बताऊंगा। एंड इसके बाद आपको नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट पे दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड फोटोज़ में जाना है। एंड आप सभी को अपनी जितनी भी फोटोज़ हैं, मतलब इस म्यूज़िक के लिए जो जो सी फोटोज़ आप सभी को यूज़ करना है, वो सारी फोटोज़ आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसके बाद क्या करना है, आप सभी को नीचे राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है गाइज, ये ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सभी को फिर यहाँ से क्या करना है, आपको म्यूज़िक को ले लेना है। एंड जो गाइज म्यूज़िक का लिंक है मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा था, म्यूज़िक को भी डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। ओके, सो जो स्टार्टिंग की जो गाइज दो फोटो हैं आप सभी को उनको ना मतलब कि छोटी कर देनी है म्यूज़िक के हिसाब से। तो पहले हम इसको यहाँ से स्टार्टिंग की जो म्यूज़िक है, मतलब जो म्यूज़िक स्टार्ट होगा वहाँ पे हमें दो फोटो छोटी कर देनी है। एंड वो आप सभी को मैं लास्ट में वीडियो चला के दिखाऊंगा, तो गाइज आप वहाँ पे आप समझ ही जाओगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से छोटी कर देता हूँ इन दो फोटोज़ को। तो यहाँ समय इतनी इतनी मतलब कि एक मिनी सेकेंड के अराउंड इसको रख लेते हैं हम। ओके, सो इतनी रखने के बाद क्या करना है, जो हमारी जो थर्ड वाली फोटो होगी जो गाइज इसके यहाँ की, तो थर्ड फोटो होगी ये वाली जो है, इस पर आप सभी को एक बार टैप करना है आपको। एंड उसके बाद आप सभी को ये एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद गाइस आपको स्क्रॉल करना है एंड ये स्टार्टिंग में आप सभी को ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ऑप्शन आप सभी को सिलेक्ट करना है। ओके, सो इतना कर लेने के बाद आप सभी को वापस एक बार गाइस सॉरी, तो हमें एक बार वापस एफएक्स में जाएंगे। एंड जो आपको ग्रीन कलर का ये दिख रहा है आप सभी को इसको प्रेस करते हो आपको पीछे की तरफ स्टार्टिंग वाला आना गाइस। ओके, सो इसको सबसे स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो गाइस एक बार मैं आप सभी को वीडियो को चला के दिखाऊंगा तो कैसा लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर पूरा मैनेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम पहले थोड़ा सा वीडियो को चला के देखेंगे। तो यहाँ से मैं वीडियो को एक बार चला के देख लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ से स्टार्टिंग है एंड यहाँ से हमारी ये, तो गाइज मैं आप सभी को म्यूज़िक इस वजह से नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि यार कॉपीराइट क्लेम रख सकता है, तो यार इसलिए मैंने म्यूज़िक आप सभी के लिए ऑफ कर दिया है। बट मैंने सोचा था आप सभी को म्यूज़िक मैं सुनाऊंगा, बट यार ये सॉन्ग है किसी का तो यार मतलब इसलिए क्लेम लग सकता है, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए नहीं किया, मतलब कि म्यूज़िक म्यूट कर दिया है। तो यहाँ से कर देने के बाद आप सभी करना क्या, थर्ड फोटो जो है हमारी वहाँ तक सेट हो चुकी है। तो उसके बाद जो है गाइज तीन फोटो जो है उसके बाद की हमारी, उसको हमें फिर मिनी सेकंड कर देनी छोटी छोटी, मतलब कि एकदम 1 मिनी सेकंड तक ही पहुंचा देनी है, ठीक है। तो इतना कर देते हैं एंड ये मैंने फर्स्ट फोटो कर लिया, सेकंड फोटो को भी मैं इतनी छोटी कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है मेरी थर्ड फोटो, इसको भी हम ऐसे यहाँ से थर्ड फोटो को भी यहाँ से छोटी कर देते हैं। ओके, सो इतना हो गया है। तो एक बार हम चला के देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारी वीडियो कैसी हुई है। तो एक बार हम यहाँ से ऐसे चलाएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो गाइस अगर आप सभी को मतलब कि मैं समझ सकता हूँ अभी आप सभी को म्यूज़िक नहीं है तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यार आप म्यूज़िक के साथ जब इसको सुनोगे तो आपको यार अलग ही लगेगी। तो अभी मैं इसको फिलहाल ऐसे एडिट करके आपको बता दिया मैंने। तो ये आप गाइस थोड़ा ना टाइम देना इस वीडियो को, मतलब कि इसको एडिट करने के लिए ना, तो काफ़ी अच्छी एडिट कर लोगे आप। अगर थोड़ा टाइम मांगती है यार, हर चीज़ टाइम मांगती है ना, तो बस वही यार आप थोड़ा टाइम देना तो अच्छी से एकदम ख़तरनाक बनेगी। मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है तो काफ़ी अच्छी भी लग रही है। तो चलिए गाइस आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये जो ये वाली जो फोटो है हमारी, जो थर्ड हमने मिनी सेकंड वाली करी थी छोटी करते, अब इसको हम इसको भी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी म्यूज़िक के हिसाब से इसको भी मतलब हमें छोटा करना है। ओके, सो उसके बाद जो हमारी ये वाली फोटो है इसको हमें थोड़ा मतलब कि उस पर एफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमें जो अभी जो ये वाला ऑप्शन लिया था इसके बगल वाला ऑप्शन को हमें इस वाले ऑप्शन को लेना है, यहाँ से डन कर देना है। एंड वापस हमें एफेक्ट्स वाले में चलेंगे, सॉरी गाइस, तो एफएक्स में चलते हैं। एंड यहाँ से हम जाने के बाद हमें जो वो ग्रीन वाला ऑप्शन है इसको हमें एकदम स्टार्टिंग में लेकर आना। ओके, सो यहाँ से हम यहाँ से प्रेस करते हैं, हम इसको स्टार्टिंग में ले जाते हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक ले जाने के बाद यहाँ से कर देंगे हम सिंपली डन। ओके, सो यहाँ से एक बार हम वीडियो को फिर चला के देखेंगे कि हमारा मतलब कि सेट हुआ कि नहीं हुआ म्यूज़िक के हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाने के बाद तो नेक्स्ट चीज़ क्या करने का हिसाब से भी को यहाँ तक हो चुका है, तो गाइस ये हमारा पूरा यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद जो है ये वाली गाइस स्टार्टिंग की 3 से 4 फोटोज़ हैं, इसको हमें फिर वापस मिनी 1 सेकंड तक कर देनी है क्योंकि म्यूज़िक हमारा कुछ ऐसा ही है, तो यही है, तो ऐसे करना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको और कर देता हूँ। ओके, सो ये वाला हमने यहाँ तक कर लिया। तो उसके बाद हमारी जो हमने दो फोटोज़ को यहाँ पर भी कर दिए, तो इसको हम चला कर एक बार और चेक करेंगे तो हमारी ये हुई कि नहीं हुई। सो ये यहाँ तक,
सो गाइस हमें एक बार इस पर क्लिक करना अपनी जो ये वाली फोटोज़ है हमारी इसके बाद की, जो उस पर हमें इसको यहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन है एफएक्स में से थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना है एंड ग्रीन वाला जो ऑप्शन है इसको हमें सिंपली ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आना है। ओके सो यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो उसके बाद इतना हो जाने के बाद गाइस सबसे करना क्या है, यहाँ से जो ये जो हमने वाला लिया एफएक्स वाले के बाद जो हमारी तीन सी जितनी भी फोटोज़ हैं हमें इन सबको छोटी कर देनी है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक बड़ा है तो हम यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर देते हैं। ओके सो मैंने इसको यहाँ पे से भी इसको भी छोटा कर दिया है एंड यहाँ से हम वापस एक बार वीडियो को चला के देखेंगे कि हमारी वीडियो कैसी हुई है। तो ये मैंने चेक किया तो गाइस ये काफ़ी ऑसम लगी मेरे को गाइस, ठीक है तो हो चुका है यहाँ तक। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप सभी को तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है तो इसको हमें गाइस थोड़ी सी ना फोटो को जो है हमारी ये वाली जो हमारी लास्ट की इसको हमें थोड़ी और छोटी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये छोटी हमें इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि यार दो म्यूज़िक है ना काफ़ी फास्ट है इस जगह पे, तो मैं चेक कर रहा हूँ तो इसको यार थोड़ा म्यूज़िक फास्ट लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको ऐसे छोटी करने के लिए अब क्या करना है, काफ़ी हमारी छोटी हो चुकी है तो हम हमारा मतलब कि आपका जो ऑप्शन है वहाँ पर आप वहाँ तक आप क्लिक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए क्या करना है आप सभी को, आपको सो आप सभी को दोनों हाथ फिंगर से ऐसे प्रेस करना है एंड उसके बाद इस तरीके से जूम आउट करना है। ओके सो इस तरीके से जूम करने के बाद आप सभी को परफेक्टली आप अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर पाओगे। तो ऐसे इस तरीके से आप सभी को सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को इन फोटो के साइज़ को छोटा करना है। ओके सो इतना कर लेने के बाद क्या करना है आप सभी को मैं बताता हूँ जी उसके बाद। सो यहाँ तक है तो हो चुकी है हमारी, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं लास्ट वाली फ़ोटो को। सो यहाँ तक हो चुकी है तो गाइज लास्ट में जो हमारा वाटर मार्क आएगा वो कैसे हटाना है हमें मैं वो भी बताऊँगा आप सभी को। तो पहले अभी यहाँ तक हमारा हो गया है तो इसको मैं आप सभी को गाइस कोशिश करूँगा कि यार आप सभी को मैं इसका पूरा मतलब म्यूज़िक के साथ सुना सकूँ दिखा सकूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पे यहाँ कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है वाली। तो उसके बाद आप सभी को साइज़ वाइज सेलेक्ट कर लेना है क्लियरिटी वगैरह, तो यहाँ से सेव कर देना है एंड उसके बाद जो आपको टाइटल वगैरह रखना है रख लेना गाइस। तो यहाँ से नीचे देखिए गाइस हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगी है तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं एंड उसके बाद मैं बताता हूँ आप सभी को कि इसका जो वाटर मार्क है मैं कैसे हटाना है। एंड गाइस अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार आपके भाई ने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है एंड यार ये किसी रील्स ट्रेंड के ऊपर यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो यार आप सभी के एक लाइक से यार बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस मैं आप सभी को वीडियो को चला के दिखाता हूँ कि यार हमारी वीडियो कैसी एडिट हुई है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में मतलब कि काइन मास्टर में दिखा दूँगा कि कैसी हमारी रील एडिट हुई है। तो उसके बाद हमें क्या करना है समझाने काइन मास्टर के अंदर काइन मास्टर को ओपन कर लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप सभी को अपनी रील्स का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। रील्स के साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को जाना है मीडिया वाले ऑप्शन है, मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को अपनी वो एक्सपोर्ट वाली वीडियो को ले लेना है एंड सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना है एंड उसके बाद जो है आपको जहाँ तक हम आपकी रील्स है जहाँ पे आपकी एंड हो रही है रील्स आप सभी को उस वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे कि आज यहाँ पे मेरी रील्स एंड बस वीडियो को मैं बस इतना ही दिखा सकता हूँ आप सभी को क्योंकि यार मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है यार क्लेम व्लेम का चक्कर हो जाता है, तो यार इसके लिए बस यार अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि यार आप सभी के यार इतनी मेहनत करता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चलिएगा इसमें मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।